आदिवासी मूलवासी संघर्ष समिति का विरोध प्रदर्शन जारी है। जामताड़ा में भी आदिवासी मूलवासी संघर्ष समिति ने सुभाष चौक में मुख्यमंत्री और जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी का पुतला दहन किया। इस दौरान नेताओं ने अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की और मुख्यमंत्री जामताड़ा विधायक का पुतला दहन किया। जिला अध्यक्ष श्याम लाल मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जिस तरह से सदन में बयान दिया कि 1932 खाद्यान्न आधारित नियोजन नीति लागू करना संभव नहीं, ये जनता के साथ धोखा है और इसलिए मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया जा रहा है। उन्होंने जामताड़ा विधायक जो इरफान अंसारी हैं उनका भी पुतला दहन किया क्योंकि उन्होंने भी एक बार सदन में 1932 के खाद्यान्न आधारित नियोजन नीति लागू करने को लेकर किसी भी तरह का बयान नहीं दिया, जिससे संघ काफी नाराज है। पर जिस तरह का आज हम लोग विगत दो दिन पहले हम लोग जिस तरह का माननीय हेमंत सोरेन का बयान को देखे हैं उससे हम लोग आहत हैं और हम लोग जो चीज पर इच्छित जो मांगे हैं वो 1932 का खाद्यान्न को लेकर है। ये जो डिफिनेशन बता रहे हैं कि 1911 हो, 1912 हो, 1932, 1964, 1993 हो, 2005 हो, 2014 हो, हम लोग ये सब नहीं जानना चाह रहे हैं। हम लोग 1932 का जो मांगे हैं वो हम लोग को आजीव है मिलना चाहिए। आज हम लोग झारखंड सरकार हेमंत सोरेन का पुतला दहन के साथ में हमारे आदिवासी के हितेशी बने हैं और हमेशा आदिवासी के हितेशी अपने आप को कहते हैं डॉक्टर इरफान अंसारी, इन दोनों का पुतला दहन किया गया। और झारखंड सरकार जैसे कि बजट सत्र में इन्होंने बहुत ही विवादित एवं निंदनीय भाषण दिए, उन्होंने कहा कि 1932 के आधार पर नियोजन नीति नहीं बन सकती है। आज पुतला दहन का चाहे हम लोग को आजय सुबह जो पुतला दहन होना चाहिए और झारखंड सरकार ने वादा किया था, मैंने पोस्टर में लिखा था कि 1932 मेरा सरकार बनेगा तो हम लागू करेंगे, तो वही चीज़ तो हम लोग मांग कर रहे हैं, दूसरा कुछ मांग नहीं कर रहे हैं। आप सरकार से आज पुतला दहन करने का मौका भी दिए और स्थायी विधायक बोलता है कि हम तो आदिवासी में रहते थी है, इधर आदिवासी मेरा वोटर है और कहाँ आदिवासी पा सकते।